वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप मान के चलिए आपके पेपर में आएगा ही आएगा और इसकी श्योरिटी मैं मैक्सिमम लेवल पे लेके चल रहा हूँ तो ये क्वेश्चन तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चे इशूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब यही हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन किन इश्यूज को रिजोल्व करते हैं किन किन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आते हैं जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में टैकल करते हैं हैंडल करते हैं तो इसको हम कहते हैं इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर है बच्चे तो इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे इंप्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके थे इन्फ्लेशन पढ़ चुके जो पढ़ चुके हैं रिकॉर्डेड आपके पास में आप उसको रिपीट कर सकते हैं हां जी आज की क्लासेस में मैं बात इकोनॉमिक ग्रोथ की भी करूंगा स्टेक फ्लेशन की भी बात करूंगा ट्रेड साइकिल की भी बात करूंगा मैं तीनों के मेनली जो है आज के क्लासेस में डिस्कशन करने वाला हूं क्लियर है ये फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में लेकर के जाएंगे इस टॉपिक को उस पर भी बात करेंगे फिलहाल आप इस टॉपिक को जरा देखिएगा बच्चे सबसे पहले ये तीनों ट्रेड पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेक फ्लेशन के ऊपर और इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं ये पहले पॉइंट ले लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ समझिए जरा इस चीज को कि क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ रीडिंग करेंगे पहले आप मेरी बात को सुनते रहेंगे समझते रहेंगे मैं एक एक बात डिस्कस करूंगा फिर जब आप रीडिंग करोगे तो रीडिंग में हर एक लाइन वही मिलेगी जो कि आपने मुझसे सुना है सुनाए समझाए तो याद करना आपके लिए आसान रहेगा और याद करने की जरूरत क्या है अब आपको आपने समझ लिया तो उसको आपको बस आंसर को लिखना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो जैसे कि हमारे पास में एक पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ मैं बार बार इस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं और आगे भी अब लास्ट टाइम इसका रिपीटेशन है आगे फिर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा चलिए तो आज की क्लासेस में बेसिकली हम समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और किसे कहते हैं जनरली आप इस बात को समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन ये क्या चीज है तो आइए इसको समझने के लिए बेटर अच्छे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जनरली स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशूज़ है हमारी कंट्री के लिए तो उसको रिमूव करना है तो कहीं ना कहीं जो पुअर पीपल है उनके पास में पैसा होना ज़रूरी है तो उसको हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके पास में अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करेंसी इशू कर रही है और फिर वो जो है बेचारे गरीब लोग हैं वो भी अमीर हो जाएंगे और हमारी पॉवर्टी रिजॉल्व हो जाएगी तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है ऐसा सवाल रहता है जनरली बच्चों का तो यहां पर आपको बात समझनी होगी कि बेसिकली बच्चे हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली किस पे चलती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चलती है हम सस्टेन कर पा रहे हैं किसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर कर के एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो मेरी नीड जो है वो फूड है मैं फूड कंज्यूम करता हूँ ना कि मैं रुपया खाता हूँ अगर मुझे ठंड लग रही है फिर मुझे कपड़े पहनने मुझे सही ढकना है तो मैं इन कपड़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने कहीं पर भी करेंसी नहीं वेयर करा हुआ है क्लियर है बच्चे मुझे प्यास लगेगी तो मैं वाटर जो है ड्रिंक करूंगा मैं वहां पर भी नोट या पैसा या सिक्का कॉइन में वहां पे नहीं पीऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है उसको वो जो सस्टेन है सस्टेनेबल है या फिर वो एग्जिस्टेंस है उसकी वो गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से है लेकिन आप बात कर रहे हैं करेंसी के ऊपर कि भैया करेंसी दे, दे देते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज वो भी अरेंज कर लेंगे अपने लिए तो आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि गवर्नमेंट अगर ऐसा करे कि वो पैसे छाप कर करके वो करेंसी इशू कर करके और सभी के घरों के आगे जो है बंडल नोट के गिरा दें आप दरवाजा सुबह खोलते देखते हैं भैया एक करोड़ रुपए आपके घर के दरवाजे पड़े हुए हैं उसने भी नोट है भी, क्या ही हजार जब बांटना है तो करोड़ करोड़ बांटो भैया जब अगर हमें मशीन हमारे पास में है तो थोड़ा बड़ा सोच लेते हैं आप सबके घर के आगे एक करोड़ रुपये मिला अब मैं सुबह मान के चलिए कि मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था तो मन में एक फीलिंग है यार मैं क्लास लेने जा रहा हूँ फीस के लिए अब एक करोड़ रुपये आए तो उसको मैं करता हूँ ना मेरे पास में है इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कुछ रिटर्न आएगा उस रिटर्न से ही अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं तो फिर थोड़ा सा हैडेक कम लेते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करते हैं थोड़ी क्लासेस को मैं रिड्यूस कर देता हूँ कम कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी सर्विसेज बंद हो गई आपको लेकर के इसके साथ साथ सिर्फ मेरी तो एक छोटी सी कहानी है लेकिन एक किसान के घर पे ऊंची ऊंची चीज़ें पहुंची हैं वो खेत में अनाज उपचाने नहीं गया वो वो खुश हो चाहे कि भैया मैं खुद फास्ट खेती के के कंज्यूम कर लूंगा जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों इसको इतनी मेहनत करूं तो वो भी नहीं गया तो धीरे धीरे देश में गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विस का प्रोडक्शन क्या हो गया रुक गया जो वाटर सप्लाई के लिए जो बाकी लेबर्स होते हैं प्लम्बर होते हैं इस सबके सब जो हैं कहीं कही ना कहीं काम पे पहुंचे नहीं तो वाटर सप्लाई इफेक्ट होगी तो कहीं कही ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर रुक गया है क्योंकि हर इंडिविजुअल को यही लग रहा है कि वो उसके पास पैसा आ गया वो मार्केट जाकर के उसको बाय कर लेगा लेकिन जब हम सभी आप और मैं हम सब मार्केट पहुंचे तो मार्केट में तो नहीं तो हमें गुड्स नजर आ रहा नहीं सर्विस नजर आ रहा है क्योंकि सप्लाई पीछे से नहीं आई सप्लाई पीछे से नहीं आई क्योंकि जो मैनुफैक्चर है वो खुद बैठ गए उनके पास में मोटिवेशन का कोई सोर्स था नहीं पैसा आ ही चुका था तो भैया वो क्यों काम करेंगे तो इसलिए अब यहाँ पर कहने ना सप्लाई की शॉर्टेज आ गई अब आप बताएंगे कि जो चीज़ दस रुपये की थी अब वो चाहिए मुझे भी क्योंकि मेरे पास तो पैसा है भाई हर किसी को चाहिए सबके पास में पैसा है तो डिमांड तो है और अच्छे खास पहले से ज़्यादा ही डिमांड हो गई है बट अवेलेबिलिटी पहले से कम हो गई है अब क्या होगा इसका कि भैया हम सबको चाहिए तो हम इसको ज़्यादा कीमत दे करके भी लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि एक तो है कम और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिट कंज्यूमर्स बायर्स में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो चुका है तो यहाँ से इसकी प्राइस बढ़नी चालू हो जाएगी और चलिए मान लीजिए दस की चीज अगर हजार रुपए की भी हो जाए तो ये दो लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना यूज में तो अभी भी एक ही लोग होंगे बाकी लोग तो तभी भी इसके बिना ही सर्वाइव करेंगे तो प्राइस के बढ़ जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि चीज़ें आप ठीक है अभी भी वही है कि बहुत सारे लोग इसके बिना ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आएगा और इन्फ्लेशन आने के बाद भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेंगे ठीक तो एक एग्जांपल है कि जिम्बाबे जिसमें कि 94, 96 परसेंट के हिसाब से डेली बेसिस पर एक दो दिन के बेसिस पे इंफ्लेशन बढ़ रहा था दस की चीज कल बीस होगी बीस की चीज चालीस होगी जिम्बाबे को हर जो है एक वर्ल्ड में बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि उसने यही काम किया था काम किया करेंसी सबके पास में आ गई करेंसी सबके पास में आ गई सब डिमांड के लिए उतर गए सप्लाई बंद हो गई डिमांड ज्यादा सप्लाई कम अमंग्स द बायर एंड प्राइस विल बी इंक्रीज प्राइस आपका क्या हुआ इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली होने होते चला गया अब इस देश के अंदर लोग वो के पास में अनाज नहीं है पानी नहीं है कपड़े नहीं है तो आप बताइए उसका लाइफ कैसे स्पेंड होगा एजुकेशन और हेल्थ तो भूल ही जाइए तो बहुत दूर की बात हो गई है तो आपका जो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा पीछे जाएगा लेकिन आपने तो करेंसी इसलिए इशू कर दिया था ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए बेटर हो जाए बट रिजल्ट उसका नेगेटिव देखने को मिला उसका इनवर्स इंपैक्ट पड़ा आपका तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट जो है करेंसी को इशू कर करके लोगों तक तो ऐसे नहीं पहुंचाती है इसका सिंपल सा रूल है कि आप कोई ना कोई काम करें तब आपके पास पैसा आएगा मतलब काम का मतलब है कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं आप फिर आपके पास में करेंसी आ रही है फिर आप जब डिमांड करते हैं तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो आप उसको बाय कर सकते हैं और जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा उसकी क्वान्टिटी बढ़ेगी उतने ही जो है मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं प्राइस कम आएगा गरीब लोगों की भी पहुंच उस पर पहुंच हो सकती है वो भी उसको बाय कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास में ज्यादा है तो इस चीज से प्राइस फॉलो करके पॉवर्टी तक उसकी रीच हो जाएगी और वो पॉवर्टी पर्सन को भी अवेलेबल हो जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है गुड्स एंड सर्विस का फ्लो करवाने पर फोकस करें क्लियर है तो इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं कि आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर हो जाए अब इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या क्या फायदा हो सकता है वो चीज देख लीजिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या क्या अपना कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से तो एक सबसे पहले अगर आप कुछ चीजें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हेल्प से आप कर सकते हैं जैसे कि मान लें अब अगर आपके पास में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास में इंक्रीज इनकम लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्लियर है बच्चे लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी और इनकम बढ़ने से क्या होता है बच्चे आप भी जानते हैं रिड्यूस पॉवर्टी तो पॉवर्टी के कम हो जाने से लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड पेस का एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा पॉवर्टी रिमूव होगी पैसा लोगों के पास में आ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटर एजुकेशन वो ले सकते हैं बेटर एजुकेशन के साथ साथ में वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज भी ले सकते हैं ठीक है ना बेटर हेल्थ और बेटर हेल्थ के साथ में और यहां से आप देखेंगे कि इंप्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा जब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो अब लाइफ वहां कहां रही जिंदगी तो पहले से बहुत अच्छी चल, चल रही है तो इंक्रीज एक्सपेक्टेंसी है बच्चे और इसका एक और पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंक्रीज गवर्नमेंट बजट दिख रहे हैं क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कहते कैसे उस सिचुएशन को जहां पे लोगों की इनकम बढ़ रही होती है और इनकम बढ़ने के साथ साथ में अब वो पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को वो अफोर्ड कर प, ला पा रही है अपने पास में और उससे उसके पास में उसके हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाती है रिडू, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है बेटर हेल्थ हो जाता है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है और गवर्नमेंट की भी क्योंकि लोग इनकम ज़्यादा तो गवर्नमेंट देखिए टैक्स वही पे करता है ना जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा टैक्स पे करता है अब आपके अगर इनकम उस लेवल पर नहीं है तो आप ज़्यादा टैक्स नहीं पे कर पाते हैं तो अगर लोग इनकम अच्छी होगी तो टैक्स ज्यादा पे करेंगे गवर्नमेंट का बजट भी बेटर हो जाएगा तो ये चीज़ें होती हैं कि इससे क्या कहते हैं कि अब लोगों के पास में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में एक्सपेंड कर रहे हैं अब हमारे जो ग्रैंड फादर हुआ करते थे तो उनके पास में इतने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ करते थे इवन मान के चले कि उनके पास में टॉयलेट भी नहीं हुआ करता होगा तो आप देखिएगा बिना टॉयलेट के आप सोच के देखिए कि कितना मुश्किल होता था मैनेज करना उनके पास में ट्रांसपोर्टेशन भी के लिए भी आ, कुछ भी नहीं हुआ करता था अपना कि गाड़ी वगैरह हो उसके बिना देखिए वो किस तरीके से चीज़ों का मैनेज करते थे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुआ, कर, हुआ करता था तो जब वो बीमार पड़ते थे तो तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होती थी तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा करके आप इन बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर दीजिए कि इन गुड्स एंड सर्विसेज़ के फ्लो के बिना आप अपनी लाइफ को कैसे आप लेके चलेंगे आज हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में आज ज़्यादा हम कंफर्टेबल है कारण क्या है क्योंकि हम आज ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज से घिरे हुए हैं इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों की लाइफ जो है सुख समृद्ध हो खुशहाली में जीवन बीते किसी चीज़ का अभाव ना हो क्लियर है इसे हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू था और इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अनदर मेजर इकोनॉमिक्स इशू और हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही पड़ेगा अगर हम अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करते हैं तो आपको पता है कि उसके लोगों की इनकम जो है काफी डाउन रहेगी लोगों की इनकम कम रहेगी तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मैनेज करनी पड़ेंगी सारे हेल्थ सारे एजुकेशन सब कुछ गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट के उसके लिए ज्यादा गवर्नमेंट को फंड चाहिए अब गवर्नमेंट को ज्यादा फंड तो तब आएगा जब लोगों के पास में इनकम हो लोग टैक्स पे करेंगे जब लोगों के पास इनकम ही कम है तो टैक्स कहां से पे करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी इकोनॉमी क्या करेगी गवर्नमेंट लोन लेगी दूसरे कंट्री से करेंसी इशू करके छाप करके देने का क्या चक्कर है वो तो मैंने समझा दिया आपको तो क्या करेगी वो दूसरे कंट्री से लोन लेगी और फिर वहां से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करेगी तो वो इंपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो है लोन में चलता चला जाएगा लोन में फिर इंटरेस्ट का बर्डन आएगा तो हमारा एक्सपेंडिचर जो प्रॉब्लम थी कि पहले से ज्यादा है वो एक्सपेंडिचर और ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जा रही है एक टाइम पर आपको फर्स्ट सरेंडर करना पड़ जाएगा फिर बाकी कंट्री मिल करके आपके कंट्री को पूरी तरीके से अपने रिमोट पर चलाएगी जैसे पाकिस्तान को चाइना चलाती है तो फिर कहीं ना कहीं आप एक इकोनॉमी से ज़्यादा थे आप इकोनॉमी अगर आपका बैकवर्ड हुआ तो आप कंट्री पूरा देश ही अपने हाथ से आपके जो है आपके हमारे हाथ से फिसल जाएगा और एक देश को अपने हाथ में रखने के लिए और चलाने के लिए कितने सालों सालों का संघर्ष होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है तो ये वही बात कह रहा है कि अनदर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू मेजर ये एक इशू नहीं है ये मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है भाई बहुत बड़ी समस्या ये कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है मैक्रो इकोनॉमिक का पर्पज ही यही है कि कुछ ऐसी स्ट्रेट पॉलिसी लेकर के आए जिससे कि लोग लो, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो अनदर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज फेस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज भैया इकोनॉमिक ग्रोथ तो हर कंट्री को चाहिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया पाकिस्तान हो गया जिम्बाबे हो गया ये सब फेस कर रहे थ्रू आउट द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द जनरली मेजर्ड बाय द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज द पर कैपिटल इनकम बच्चे पर कैपिटल इनकम क्या होता है कि एक अभी आगे आएगा नेशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में मान के चलिए कि इनकम जैसे कि सौ रुपये हुई पांच लोगों ने मिलकर कमाया तो हर पर्सन ने कितना कमाया बीस रुपए कमाया तो इसी तरीके से हमारा एक नेशनल इनकम होता है कि भैया पूरे देश में पूरे नेशन में पूरे जो हमारे जितने भी रेजिडेंशियल हैं उन सब सबकी इनकम कितनी हुई और कितने लोग हैं अर्न करने वाले उनसे डिवाइड कर देते हैं तो पता लग जाता है पर कैपिटल पर पर्सन क्या इनकम है तो अगर पर कैपिटल क्योंकि भैया एक अंबानी जी के अमीर हो जाने से पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो जाता है बात समझ रहे ना देश में एक करोड़ की आबादी है उनमें से वो एक है बस तो पर कैपिटल इनकम इंप्रूव होना चाहिए पर कैपिटल मतलब कि हर एक व्यक्ति की आय बेटर होनी चाहिए तो ये वही कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली मेजर्ड बाय द एनुअल रेट ऑफ ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं अगर पर कैपिटल इनकम हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भैया हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पर कैपिटल इनकम ऑफ द नेशन इज द इट इज एक्सप्रेस द ग्राफिकली बाय द राइटवर्ड वर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बच्चे ये पीपीसी पहले भी पढ़ा था आपने बट फिर भी मैं लिंक नहीं करता हूं कि जनरली बच्चे जिसने नहीं पढ़ा हो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है पीपीसी कर्व क्या होता है ये और इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि एक नेशन अपने पूरी रिसोर्सेज को अगर लगा देता है तो प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मतलब कि पूरे गुड्स को दो कैटेगराइज कर दिया गया था कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो अगर पूरे रिसोर्सेज को हम लगाते हैं Osionfish. तो हमारे पास पे हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं कंज्यूमर एंड कैपिटल अगर कंज्यूमर गुड्स की तरफ रिसोर्सेज ज्यादा है तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा कैपिटल कम होगा अगर उस रिसोर्स को डाइवर्ट करते हैं हम कैपिटल की तरफ तो कैपिटल तर का प्रोडक्शन बढ़ेगा बट फिर वहां से कंज्यूमर का डाइवर्ट कर दिया तो कंज्यूमर का कम होगा तो मतलब एक इकोनॉमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर काम करेगी तो अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा डाउन हो जाएगा तो ये पीपीसी है और अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक अब बात चली तो छोटा मोटा क्या बड़ा ही डायग्राम बनेगा ना देखिए राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब का मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो चैप्टर फिनिश होगा इसका मैं टेस्ट ले लूंगा भाई ध्यान रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं आप सभी बच्चे को भाई आपको पेपर से एक दिन पहले ज्वाइन करोगे मैं तब भी आपका एक दिन पहले भी ज्वाइन कर लीजिएगा जो फीस आप आज पे कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए एक दिन पहले भी वही फीस एक घंटे पहले भी वही फीस लगना है वो आपकी इच्छा है कि आपके पास अभी समय नहीं है ज्वाइन होने के लिए लेकिन और उस समय मेरे लिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा पेपर से दस दिन पंद्रह दिन पहले कि मैं आपका टेस्ट सीरीज लूँ मैं आपके डाउट्स लूँ एक दिन पहले आप सभी सभी पाँच सात हज़ार बच्चे बोलेंगे मेरे डाउट अभी आप एक दिन पहले जगे उसमें मेरे क्या आ, 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 गलती है मैसे आज से डाउट पूछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पी, -पी तो पी पी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पी से सॉरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप मुझसे डाउट पूछिए क्या डाउट पूछेंगे आप कहां से क्या क्वेश्चन है क्या मतलब है मैं आज आपके लिए आंसर करने के लिए पूरे ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल हूं आप दस से छह की है, मैंने बात करी है ना ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल हूं लेकिन आप जो पढ़ा है ये तो पूछिए आप मुझसे और इसके रिलेटेड मैं आपसे ले लूंगा टेस्ट मैं पीवाई क्यू डिस्कस कर लूंगा मेरा टॉपिक फिनिश आगे मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा भाई तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है दो तीन महीने ही रहते हैं सेमेस्टर के बीच में दो तीन महीने में भी अगर नहीं पढ़े तो आप लास्ट टाइम में पढ़ोगे वो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी गलती नहीं है उस चीज में मैं आपको अवॉइड करूंगा मैं क्लियरली बात को बोल रहा हूं क्लियर है बच्चे बाकी चॉइस आगे आपकी है कि आप एनरोड होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जो सिस्टम है काम उसी से होगा हेलो हाँ आज मैं कंप्लीट करा दूंगा निकेत देखिए बच्चे लेकिन तसली से पढ़िए समझिए बेसिकली आपको कोई लेक्चर को सुनने में दो घंटा लग सकता है तीन घंटे भी लग सकता है लेकिन जब आप इतने लंबे समय से उसको सुन रहे हैं तो जब आप उसको आंसर क्योंकि पेपर में आपको कोई सुनना और सुनाना नहीं है पेपर आपको लिखना है तो जब आप उसके आंसर को रीड करते हो तो वो आंसर तो छोटा ही रहता है पाँच सात लाइन का तो वो आंसर एक बार में ही आपको क्लिक करता है तो वो चीजें जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपका एक दो दो तीन चार मिनट में एग्जीक्यूट हो जाता है और पेपर में आपका एग्जीक्यूटिंग की टाइमिंग कम हो वो मैटर करता है आप मुझसे आज के इतने ज्यादा टाइम में किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है बस पर्पस ये नहीं कि आप जिसको एग्जीक्यूट करेंगे कम से कम टाइम में और अच्छा एग्जीक्यूट हो जाए उस पर फोकस करेंगे अब देखिए बच्चे इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर क्यों कहते हैं उस बात को भी दर्ज देख सुनिएगा देखिएगा एक इकोनॉमी की ये बाउंड्री है कि एक इकोनॉमी इतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकता है अगर अपने सारे रिसोर्सेज को लगा दे अब ये डायग्राम ऐसा क्या बना क्यों बना नहीं बना ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पीपीसी का फिर पूरा टॉपिक खुल जाएगा इसलिए अभी मैं हल्का रफ आइडिया दे रहा हूं जितना लिखा है मैं उतना ही बताऊंगा आज ठीक है ना तो ये मान लीजिए कि मेरे पास में दो टाइप्स की गुड्स हैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास में एक गुड्स एक्स है या एक गुड्स एक्स क्या मान लीजिए मेरे पास में कैपिटल गुड्स है बेसिकली इकोनॉमी क्या करती है दो टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन करती है वैसे तो वराइटी बहुत ज़्यादा है बट टाइप्स ऑफ गुड्स दो ही होते हैं कैपिटल एंड कंज्यूमर कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी को प्रोड्यूस करते प्रोडक्शन में वो रिपिटेशन में यूज़ में आते हैं उसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं जैसे कि किसी गन्ने के जूस निकालने वाले के पास में जो रखा हुआ मशीनरी से जूस निकाल रहे हैं वो कैपिटल गुड्स है और जो गन्ना आप देख रहे हो जिसे आप पी रहे हैं, वो आपके पास में क्या है वो कंज्यूमर गुड्स है कंज्यूमर गुड्स तो आपको डायरेक्ट सेटिसफाइड करता है बट वो कैपिटल गुड्स आपको गुड्सफाइड कर, कर रहा है तो ये बेसिकली दो गुड्स कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स और एक इकोनॉमी में दो टाइप की कंज्यूमर गुड्स दो टाइप की आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स होती हैं कैपिटल कंज्यूमर गुड्स बनाना तो बसेसिटीज है वन फोर्टी करोड़ की पॉपुलेशन है अपनी अपनी नीड्स हैं गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो कंज्यूमर गुड्स तो बनाने की जरूरत है ही बट कैपिटल गुड्स को बनाए बिना भी आप नहीं रह सकते क्योंकि उन कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आप मशीनरी कहाँ से लाओगे कहाँ से करोगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है साथ के साथ हम जब ऐसे एनिमी कंट्री के आसपास हैं सारे जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं लगभग लगभग मांग कर चली गए वो दुश्मन नहीं है घात लगा के बैठे हैं तो हम अगर कैपिटल गुड्स टैंक फाइटर प्लेन ये चीजें प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे हम अपने आप को जो है सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं तो इसलिए हमारे लिए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना भी जरूरी है लेकिन क्या करें किसी का प्रोडक्शन कर लो आप लैंड लगेगा लेबर लगेगा किसी का अगर आप मशीन बना रहे यूज नहीं हो रहा है खेती कर रहे तो क्या लैंड यूज नहीं हो रहा है मशीनरी बना रहे हैं तो क्या लेबर यूज नहीं हो रहा है खेती कर रहे तो क्या लेबर यूज नहीं हो रहा है मशीन बना रहे तो क्या पूंजी कैपिटल नहीं लग रहा है खेती कर रहे हैं तो क्या फर्टिलाइजर वगैरह में कैपिटल नहीं लग रहा है मशीनी बना रहे हैं तो को, को, कोई रिस्क नहीं ले रहा क्या रिस्क ले रहा है चले चले एंटरप्रेन्योर और आप खेती कर रहे तो क्या रिस्क नहीं हो रहा है कि भैया फसल सही होगी या बर्बाद होगी बारिश अगर आ गई तो तो भैया आप चाहे कंज्यूमर गुड्स ऑफ रक्षण करें या फिर आप कैपिटल गुड्स ग्रोसऑफ रक्षण करें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो हमारे रिसोर्सेज हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर या फिर किसी भी इकोनॉमी के पास में लैंड भी लिमिटेड है लेबर भी लिमिटेड है कैपिटल भी लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर वो भी लिमिटेड है भैया चार चारों रिसोर्सेज हमारे पास में क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जब हमारे पास में लैंड रिसोर्स लिमिटेड है तो हम प्रोडक्शन तो लिमिटेड कर नहीं सकते ना वो भी लिमिटेड ही होगा तो इसलिए उस प्रोडक्शन को लिमिटेड कर रहे हैं तो मान मान ले के चलिए कि मेरे पास में ये ओ एक्स लेवल पे मेरा कैपिटल गुड्स हो रहा है और ओ वाई लेवल पे मेरा जो है कंज्यूमर uh, गुड्स हो रहा है अब इकोनॉमी पूरी स्ट्रेंथ पे काम कर रही है आप चाहते हैं नहीं यार मेरा जो है ना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन और होना चाहिए तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें देखिए क्या होता है फिर अगर आप सोच रहे हैं कि भैया कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन मेरा और होना चाहिए तो लो और कर दिया तो कर्ब यहाँ टच कर करके फिर ये यह यहां आ गया तो देखने को क्या मिला आपका आपका एक्स तो बढ़ गया लेकिन आपका जो है कंज्यूमर उसका तो प्रोडक्शन कम हो गया तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है कि प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये पॉसिबिलिटीज भी है भैया ये पॉसिबिलिटीज भी है लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना तो उसकी सुंदर सी और अच्छी सी बात क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर चीजें जो है कुछ इस तरीके से मूव हो जाती हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है राइट वर्ड शिफ्ट होने का फायदा क्या आप इस चीज को जरा देखेंगे आप अब मैं चाह रहा था कि मेरा ना कैपिटल गुड्स प्रशन बढ़े तो कैपिटल गुड्स ऑफ मैं बढ़ा देता हूं मैं चाह रहा हूं कैपिटल गुड्स कैपिट गुलेक्शन बढ़े तो बढ़ा दिया तो क्या मुझे अपना कंज्यूमर गुड्स ऑफ को कम करना पड़ा नहीं करना पड़ा क्लियर है बच्चे इस यू कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बात समझ गए तो ये वही बात कह रहा है आपसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली मेजर्ड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज से मेजर करते हैं मेजर बाय द एनुअल इंक्रीज ऑफ द पर कैपिटल पर कैपिटल इनकम ऑफ द नेशन ये बता दिया मैंने इट इज द एक्सप्रेस द ग्राफिकल बाय ये पर कैपिटल इनकम कैसे रिप्रेजेंट है बाय द राइट वर्ड सिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्ब द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडेड द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्सेस जितने भी लेबर का ग्रोथ होगा जितने भी इन्वेस्टमेंट देश में ज्यादा बढ़ेंगे उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगा तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में समझ में आ गया तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमी में किन किन बातों पे चर्चा होती है मैक्रो इकोनॉमिक किन किन इशूज़ पर काम करता है तो इशूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया क्लियर है बच्चे एक और आपके पास में पढ़ेंगे स्ट्रेकफ्लेशन

तो आइए समझते हैं कि का मीनिंग क्या होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो है अनएंप्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा दोनों चीजें एक साथ आएंगी जनरली कई बार इन्फ्लेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को स्टैब्लिश कर देती है लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपका इन्फ्लेशन के साथ में आप अनएम्प्लॉयमेंट में भी फेस आप फेस कर रहे हो सबसे डेंजरस सिचुएशन अगर इकोनॉम के लिए अगर मैं कहता हूं नहीं तो इन्फ्लेशन है और नही रिसेशन है स्टेक फ्लेशन सबसे डेंजर सिचुएशन है आप समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है समझना होगा रिसेशन क्या होता है फिर आपको समझ में आएगा स्टेक फ्लेशन क्या होता है चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि रिसेशन क्या होता है मंदी क्या होती है देखिए मंदी वो सिचुएशन है जहां पर लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है खरीदारी करने के लिए लोगों के पास में ना लोगों के पास नौकरी नहीं है पैसा नहीं है इनकम नहीं है इनकम लेवल वेरी लो है तो जब आपके जेब में पैसा नहीं होता जैसे कि लॉकडाउन के सिचुएशन में आपने सिचुएशन को फेस कर लिया कि फादर घर पे बैठे हुए थे तो उनके पास वहाँ सैलरी आ रही थी नहीं कुछ आ रही थी में पैसा नहीं था तो इनकम लेवल लो हो जाने से आपने अपने घर के डिमांड के सिचुएशन भी समझ ली होगी कि कितना कि डिमांड कर पा रहे थे आप आज के टाइम में चलो अभी आप मार्केट में फोन भी ला रहे होंगे साथ अपना घर भी बना रहे होंगे साथ गाड़ी का प्लान भी कर रहे होंगे साथ कपड़े उपड़े शॉपिंग वॉपिंग शादी वादी के लिए प्लान कर रहे हैं बट लॉकडाउन में ऐसी कोई प्लानिंग थी आपके डिमांड की कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि पैसा ही नहीं था तो जब आपके पास में परचेसिंग पावर नहीं होता है तो आपकी डिमांड भी कम होती है जब डिमांड कम होती है तो फिर उस सिचुएशन में क्या रहता है कि जो फर्म जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा हुआ है वो अनसोल्ड रहता है वो बिकता नहीं है भैया जब मार्केट में कोई खरीदने नहीं आया और मैं मार्केट में बेचने निकला हूं तो भैया जब आए नहीं तो फिर मेरा माल पड़ा का पड़ा रह गया तो अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट होता है इस बात को समझ रहे हैं आप क्लियर है बच्चे तो मैं आपके पास में रिसेशन की बात कर रहा हूं मंदी की बात कर रहा हूं एक ही चीज में लेके चल रहा हूं आपका स्ट्रेक फ्लेशन वो तो पढ़ लेंगे जो है इस में जा रहा हूं स्टेक फ्लेशन से पहले आप किसी को समझिएगा आप रिशेषन को समझिए मंदी को तो सबसे पहले आपके पास में क्या होगा आपका परचेसिंग पावर जो है चेसिंग पावर आपका रिड्यूस होगा और उसके बाद में लेवल ऑफ डिमांड जो है हमारी इकोनॉमी में वो भी रिड्यूस होगी ठीक है ना दोनों रिड्यूस होगा और लैक ऑफ डिमांड रिड्यूस होने के बाद में हमारे पास में क्या रहेगा अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा अनबिका माल बच जाएगा और अनसोल्ड स्टॉक बिकने के बाद क्या होगा जब मेरा पहला वाला ही सामान नहीं निकला तो मैं दोबारा बनाऊंगा क्यों प्रोड्यूस क्यों करूंगा आप खुद सोच के ज़रा देखिएगा अरे हलवाई की दुकान में भी वो मिठाइयाँ तभी बनाएंगे जब जो मिठाई बना रखा है वो ऑलरेडी बिक जाए जब वो यही नहीं बिका तो वो क्यों बनाएगा तो इसी तरीके से अनसोल्ड स्टॉक बचेगा जब अनसोल्ड स्टॉक बचेगा तो जो लेबर काम कर रहे हैं तो उनको क्यों बिठा करके तनख्वाह देगा उनको बोलेगा भैया अभी मत आना जब काम मुझे जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा तो फिर इससे क्या आएगा अन आएगा बेरोजगारी आएगी और अनएंप्लॉयमेंट आने से क्या होगा कि लोगों के पास में जो पॉलम थी परचेसिंग पावर डाउन था तो वापस आपको ये कहाँ ले जाएगा यह चीज वापस आपको यहीं पर ले जाएगी अनएंप्लॉयमेंट से लोगों के पास परचेसिंग पावर और कम होगी और उसके लैक ऑफ डिमांड और बढ़ जाएगा और अनसोल्ड स्टॉक और बचेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और ये बढ़ते 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 साइकिल चलते चलते देश कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाएगा बेरोजगारी लोग घर बैठे हुए ना तो कोई गुड्स का फ्लो हो रहा है ना सर्विस का फ्लो हो रहा है अब तो जो चीजें खाने पीने की बहुत ज्यादा महंगी पहुंच चुकी हैं अब जब चीजें इतनी महंगी पहुंच चुकी हैं तो यहां पर आपके पास में इनफ्लेशन फेस कर रहा है इकोनॉमी और इकोनॉमी इन्फ्लेशन के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस कर रहा है इसी को हम स्टेग कहते हैं मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं स्टेक फ्लेशन बोलते हैं अब स्टेग के अंदर आपको ये बात क्लियर हो गई है अब इसको बाहर कैसे निकलेंगे ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसका आंसर है कि भैया आप एक काम करिए कि आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए एज अ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले जैसे पुराने जमाने में अकाल पड़ जाया करता था ना राजा महाराजाओं के टाइम पे तो वो नदी नहरे तालाब बनवाने लग जाते थे वो एक तरह निवेश ही करते थे इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ अगर गवर्नमेंट ने फ्लाई बना रही है चलो गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को इशू करा लेकिन ऐसे बांटा नहीं वो फ्लाई ओवर बनवा बन है और जो जो इंप्लॉय वहां पर काम कर रहा है उसको तनख्वाह बांट रही है जो रो मटेरियल आ रहा है कंपनी को तनख्वाह दे रही है अब ये लोगों के पास पैसा है तो लोग मार्केट में पहुंचे खरीदारी के लिए वो कंपनी पहुंची अब यहां से मार्केट में पहुंचे तो अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होने लगा फिर एम्प्लॉयमेंट फिर उसके बाद सरकार और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है और अपने आप इंप्लॉयमेंट और डिमांड के इंक्रीज करती है और धीरे धीरे जो है फॉर्म फैक्ट्री में चीजें बनने लग जाती हैं और ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है तो वो प्राइजेस फिर डाउन होने चालू हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आप इस पॉलम से बाहर निकल सकते हो लेकिन इस पूरे के पूरे चेन को हम स्टेकफ्लेशन कहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आई होगी क्लियर है बच्चे अब आप यहां देखेंगे तो स्टेक फ्लेशन में क्या है मैनिंग ऑफ द मॉडर्न मिक्स इकोनॉमी अब मैं एक एक बातों को समझा के चलूंगा बच्चे अब उम्मीद मालूम है आपको चीजें पता भी हैं बट कोई बात नहीं मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं देखिएगा इकोनॉमी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती है बेसिकली एक तो होता है कैपिटल ठीक है ना एक होता है सोशल और एक होता है मिक्स इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं जो कि दो चीजों का मिक्सचर है ठीक है ना मतलब कि आप मान के चलिए कैपिटल प्लस सोशल दो को मिला दें तो हमारे पास में क्या होता है मिक्स इकोनॉमी रिपीट करता हूं फिर से आपको मैं। पहला समझिए कैपिटल इकनॉमी कैपिटल इकोनॉमी किसे कहते हैं कैपिटलिस्ट हाँ जी सबसे पहले आप समझिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं एक ऐसे इकोनॉमी मॉडल जिसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोडक्शन हो कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर नहीं करती है बोलती है लोग को डिसाइड करेंगे जो डिमांड है उसका प्रोडक्शन करेंगे अपना बेचेंगे हाउ टू प्रोड्यूस किस टेक्नोलॉजी का यूज करें लेबर या फिर मशीनरी ये लोगों पर छोड़ देते हैं कि भैया लोगों जिससे इफेक्टिव रहेगा प्रोड्यूसर के लिए वो उसका यूज कर ले मेरा कोई रोल ही नहीं है ना तो मैं कोई टैक्स लगा रहा किसी पर ना कुछ मैं करूंगा लोग लो, लो, ही पूरी आजादी है होम टू प्रोड्यूस अमीरों के लिए मतलब कुछ बनाए या गरीबों मैं गवर्नमेंट कहती है मेरा यहां भी कोई रोल नहीं है जहाँ पर वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस तीनों कौन कौन सी चीजें तीन मेजर चीजें होती हैं वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस कैसे हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें रिच या पुअर अच्छा पता है यार कंट्री में ज्यादातर लोग सारे अमीर ही हैं तो फिर क्या सोचना वट टू प्रोड्यूस क्या बनाए सारे लोग लो रिच ही बना लीजिए वो सब कुछ खरीदा जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस भाई जो इफेक्टिव है उससे प्रोडक्शन करें ऐसे अमेरिका जैसी है और इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी वहां पर अमेरिका से इकोनॉमी खासकर क्या करती है तीनों डिसीजन जो है ना ये किस पे छोड़ देती है ये पब्लिक पे छोड़ देती है ये पब्लिक के ऊपर छोड़ देती है तीनों डिसीजन क्लियर गवर्नमेंट का उस पर कोई रोल गवर्नमेंट पब्लिक रोल रहता है इसमें इसमें गवर्नमेंट का जो कोई रोल नहीं रहता है क्लियर है बच्चे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है उसमें ये जो तीनों के तीनों जो होता है ना हमारे पास में ये जो है वट टू प्रोड्यूस वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है पब्लिक का कोई रोल नहीं होता सोशलिस्ट इक्नॉमिक मॉडल कहते हैं और एक होता है कि दोनों का रोल है एक पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल है गवर्नमेंट सेक्टर ने कुछ वो भी अपनी भूमिका निभाएगी और एक है प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलाकर के अपना रोल बनाएगी मतलब कि गवर्नमेंट uh, सेक्टर मतलब सोशलिस्ट इकनोमी मॉडल भी काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट भी काम कर रहा है दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम कर रही है जैसे कि हमारे देश के मैं उदाहरण दे, 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 देता हूं एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है बट एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट भी अपनी यूनिवर्सिटीज लेकर के आ, जो चला रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और ये भी हैं तो क्या है दोनों काम कर रहे हैं साथ, के साथ? इसे मिक्स इकनॉमिक कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो सोशलिस्ट होता है और अगर प्राइवेट काम करता तो कैपिटलिस्ट होता है पर जब दोनों ही काम हो रहा था इसको तो मिक्स हो गया तो इसको मिक्स इकनॉमिक मॉडल कहते हैं क्लियर है बच्चे तो आगे ये कह रहा है हमारे से कि मैनी ऑफ द मॉडर्न मिक्स इकोनॉमी जो जितने भी आज की डेट में मिक्स इकोनॉमी सफर फ्रॉम द एविल ऑफ द दैट द्लेशन द ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या क्या चीजें हैं कि इन्फ्लेशन भी है और प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट भी है एट द सेम टाइम और एक ही टाइम पर दोनों चीजें आप फेस कर रहे हो कि भैया एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है प्लस बेरोजगारी भी है द को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएलॉयमेंट मतलब कि दोनों का एक साथ आ जाना किसका इन्फ्लेशन का और बेरोजगारी का एक साथ आ जाना इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स माइक्रो इशू टूडे आज के टाइम पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और रोजगार भी नहीं है बेरोजगारी भी आ रही है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड द स्ट्रगलिंग द हार्ड टू डील विद द विद्यूज ऑफ द देशन और पूरे दुनिया में बहुत सारी कंट्री आज के डेट में इस समस्या से जूझ रही है कि भैया वहां के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी कॉन्टीनली इंक्रीज हो रहे हैं और बेरोजगारी भी है पाकिस्तान की जानकारी तो अब तक समय से तो समय रहती है जो पड़ोसी देश है हमारा क्लियर है बच्चे तो ये बात कर दे एक मैं बात अब आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा मैंने लंबी कर दी कोई नहीं कल भी दस बीस यूनिट क्लास लेकर के मैं टॉपिक को खत्म कर दूंगा जब तो वीडियो कंटेंट में डालूंगा तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा ताकि आपको एक ही लेक्चर लगे रिवाइज करने में कल हम इस यूनिट को कवर कर देंगे मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जी